हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इलेक्ट्रो फ्रेंड जयपतुल और आप देख रहे हैं जेपी प्रोडक्शंस। दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि पाइप अर्थिंग कैसे होती है। पाइप अर्थिंग में एक 38 mm डायमीटर का और 2 मीटर लेंथ के जीआई पाइप का इस्तेमाल होता है। उस जीआई पाइप में 12 mm की होल्स को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर ड्रिल की जाती है और उसको अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करने के लिए गीला अर्थ में वर्टिकली गाढ़ा जाता है। इस टाइप के अर्थिंग के लिए जमीन में करीब 7 से 8 फीट तक गड्ढा बनाकर उस पाइप को गाढ़ा जाता है। अगर कहीं जमीन सूखा हो तब उसमें एक 3 मीटर लेंथ के एक लार्जर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। बोरिंग को आसान बनाने के लिए उस पाइप के लोअर पार्ट को थोड़ा पतला किया जाता है। 12 mm डायमीटर का एक दूसरा नैरो जीआई पाइप को एक रिड्यूसिंग सर्किट के थ्रू पहला वाला पाइप के ऊपर फिक्स्ड कर दिया जाता है। इसके बाद सॉल्ट और चारकोल को लेयर बाय लेयर करके होल और अर्थ इलेक्ट्रोड के अराउंड भर दिया जाता है। और एक बात याद रखना जरूरी होता है कि हर एक सॉल्ट और चारकोल का लेयर 15 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके बाद इंस्पेक्शन चैम्बर को कंक्रीट चैम्बर लेयर के ऊपर 100 mm मोटी ब्रिक्स की दीवारों के साथ 450x450x450 mm हिसाब से आकार के ब्रिक को लेकर चैम्बर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। चैम्बर को ग्राउंड लेवल से लगभग 100 mm से अबव रखा जाता है और चैम्बर के टॉप साइड को कास्ट आयरन की कवर से कवर किया जाता है। उसके बाद एक फनल को उस पतली पाइप के टॉप साइड पर रखकर तार के बने जाली को उस फनल के ऊपर फिक्स्ड कर दिया जाता है। गर्मी के मौसम में पानी को फनल के सहारे तेल को गीला रखने के लिए उसमें डाला जाता है और इस प्रकार अर्थ रेजिस्टेंस का डीजल वैल्यू भी मेंटेन रहता है। तो इस प्रकार पाइप अर्थिंग कंप्लीट होता है।